शहर के लाजपत नगर स्थित महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की बैठक आयोजित की गई। संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर इस बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई तथा कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। रविवार को सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी मुरादाबाद की आम सभा की मासिक बैठक शहर के लाजपत नगर स्थित महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष डीके गुप्ता ने की तथा संचालन सचिव कामेंद्र सिंह ने किया। धन कमाना, गलत ढंग से धन न कमाना, ये परमात्मा हमें गाइडेंस दे रहा है, हमें शिक्षा दे रहा है। और फिर कहते हैं योजना गुणान प्रकटी करोति, गुणों को प्रकट करता है। आप पूछ सकते हैं कि परमात्मा कैसे गुणों को प्रकट करता है, आपके सामने हैं कई चीज़ें हैं आपके सामने। यहाँ कर्नल अलकाट आए हुए थे, दयानंद जी से मिले थे वो सूरज कुंड मेरठ में, अभी जाएँ आप तो ये घटना सन 1879 की है। तो कर्नल अलकाट ने जो थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने दयानंद जी से ये पूछा, हमने पढ़ा है सुना है कि भगवान शंकराचार्य जी ने अपनी आत्मा निकाल के एक अमरुक राजा के शरीर में प्रविष्ट करा दी थी, तो आपसे बड़ा कौन वेदक है? उन्होंने कहा तो वेद की ज्ञाता हैं, योग की भी ज्ञाता हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं क्या ये घटना सही है? कितनी बड़ी बात है, आप कम से कम मुझे साधुवाद जरूर देंगे, मैं बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ। तो दयानंद जी ने कहा, बहुत प्यारा उत्तर दिया दयानंद जी ने, हाँ एक उत्तम योगी के लिए ये संभव है, एक उत्तम योगी के लिए ये संभव है। इतना तो मैं भी कर लेता हूँ कि शरीर की सारी ऊर्जा किसी अंग विशेष में केंद्रित कर लेता हूँ, यानी मैं उनसे घटिया योगी हूँ। ये देखें, ये लाइक द पॉइंट, मैं उस स्थिति पर नहीं हूँ जिस तरह भगवान शंकराचार्य हैं। अब आप देखो, बैठक में माह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में संस्था के सदस्यों की अयोध्या तीर्थ यात्रा पर चर्चा हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए अत्यधिक भीड़ के कारण दर्शन में लंबा समय लगने, बहुत दूरी तक पैदल चलने व रेल में रिजर्वेशन न मिलने के कारण और देश में लोकसभा चुनाव शुरू होने के कारण अयोध्या धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। भविष्य में उचित समय आने पर ही यात्रा के लिए विचार किया जाएगा। वहीं मीटिंग में माह अक्टूबर में होने वाले संस्था के वार्षिक उत्सव पर भी चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि इस बार संस्था का स्थापना दिवस कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा, क्योंकि इस संस्था के स्थापना को इस वर्ष 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाया जाएगा, पुराने साथियों और अतिथियों को कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा की। आज की जो बैठक हुई है, इसमें 3-4 विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम अक्टूबर माह में हर साल अपना वरिष्ठ नागरिक अभिनंदन समारोह करते हैं। हमारी संस्था के जितने सदस्य हैं और अतिथि हैं, उनको बुलाते और उनको सम्मानित करते हैं। इस बार चूंकि संस्था की जो है सिल्वर जुबली बनाई जा रही है, 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इस साल इसको भव्य तरीके से बनाने का विचार है। हम अपने सदस्यों को भी बुलाएंगे, जो हमारे सदस्य नहीं रहे हैं, मतलब किसी वजह से छोड़ गए हैं या अस्वस्थ हो गए, उनको भी बुला करके सम्मानित किया जाएगा। कब होना है कार्यक्रम आपका? ये अक्टूबर माह में होगा। तो इस माह में बड़े अच्छे इम्पोर्टेंट पर्व भी पड़े, अभी 4 दिन पहले होली गई है, अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया है, अभी इस माह बलिदान 23 मार्च को बलिदान दिवस था, यानी शहीद दिवस था, क्या नाम, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, उनका तो स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान था, तो उन सब पे काफ़ी चर्चा, विस्तार से चर्चा हुई है लोग।